हेलो भाइयों, मैं हूँ पीयूष। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो भाइयों, इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ज्यादातर ओवर स्पीडिंग या फिर ओवरटेकिंग की वजह से होता है, लेकिन कई बार कुछ और भी कारण होते हैं एक्सीडेंट होने के। जैसे कई बार ड्राइव करते वक्त फोन पर बात कर रहे होते हैं और कई बार इंफोटेनमेंट की तरफ ध्यान चला जाता है कुछ म्यूजिक चेंज करने के वक्त। तो भाई, इस सिचुएशन में भी काफी सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। और भाई, आज भी एक ऐसा ही एक्सीडेंट आया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि भाई जो भाई कार को ड्राइव कर रहा था वो कॉल पर बात कर रहा था, उसका ध्यान नहीं था रोड पे, तो भाई तभी ये एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई ये एक्सीडेंट ब्रेजा के साथ हुआ है। तो अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का वीडियो या फोटो है तो सारे डिटेल्स के साथ मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल पर मुझसे शेयर करें। तो एक्सीडेंट की बात करें तो ये एक्सीडेंट हिमाचल में किसी जगह पर हुआ है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ब्रेजा का ड्राइवर जो कि कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान सामने रोड पर से चला जाता है, जिसके बाद कार अनकंट्रोल होकर डिवाइडर से जाके भिड़ जाती है। जिसके बाद आप देख ही सकते हो भाई ब्रेजा की क्या कंडीशन हो चुकी है। इसमें फ्रंट की बात करें तो इसका फ्रंट में काफी अच्छा इम्पैक्ट आया है। तो भाई आप देख सकते हो ब्रेजा कैसे बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, डिवाइडर पे जाके टेढ़ी खड़ी हो जाती है। तो भाई अगर यहाँ पे पुल होता तो इसमें नीचे गिरने की भी चांस हो सकते थे। तो भाई कभी भी कार ड्राइव कर रहे हो तो कॉल पर बात मत करो और ना ही किसी और चीज पर ध्यान लगाओ, सिर्फ आप ड्राइविंग पर ध्यान दो। क्योंकि भाई ऐसे एक्सीडेंट काफी बार हो चुके हैं जिसमें कि भाई काफी बड़े बड़े भी एक्सीडेंट हुए हैं। तो भाई अंदर बैठे पैसेंजरों की बात करें तो पैसेंजरों की डिटेल नहीं है हमारे पास, लेकिन भाई ब्रेजा के दोनों ही एयरबैग ओपन हो गए थे, जिससे कि भाई उनको थोड़ी बहुत चोट आई होगी। तो भाई बस यही था इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।